असलमकम दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेन कटिंग और सुहेल तनवीर की जो फ़ाइट है ठीक है फ़ाइट बिटवीन बैन कटिंग एंड सुहेल तनवीर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ठीक है ये क्या माजरा है क्या सीन हो रहा है ठीक है सारी इसकी स्टोरी बताऊँगा क्योंकि ये बेसिकली ये नहीं है सिर्फ मैच ही तो पिछावर दल में कोईट अगले डेट को ठीक है, है वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी लेकिन स्टोरी क्या है ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर पिक्चर ये हिंट दे रहा हूँ आपको मतलब कि पिछले सालों कुछ साल पुरानी स्टोरी है वो सारी आज आपको सुनाता हूँ ठीक है नीचे जायज़ का है जी पैसा नंबर है उसमें भी आप लोग जो समझ रहे होंगे बात को ठीक है जो जो आप डोनेशंस या जो भी कुछ देना चाहते हैं डोनेशन नहीं मतलब सुपर चैट कह लो ठीक है ना देने चाहते हैं वो दे सकते हैं लीव और कमेंट करना है आप लोगों ने कि आप लोग क्या सोचते हैं जो सारा वाक क्या होया है क्योंकि आप लोगों को स्टोरी पता नहीं है ना पता तो वीडियो तो आप लोगों देख ली है। ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें पहला गंदबाद है आप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद एट दी एंड पी एस एल के बारे में कुछ साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के बारे में स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी देखेंगे अब आपकी स्क्रीन पर मैंने पिक्चर चला दी है सी ठीक है ना कैरेबियन पीमियर लीग 2018 में ये वाक़ होता था सोहेल तनवीर ने सेलिब्रेट किया था बैन कटिंग्स विकेट विद ठीक है ना अब आप समझ गए होंगे विद मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा ठीक है और जारी बात है ऑन एयर पिक्चर आपकी चल रही है आपके सामने ठीक है उसके बाद पी 2022 में ठीक है 2022 में बेन कटिंग आते हैं मतलब आप समझ रहे हैं बात को कि चार साल ठीक है ना चार साल का इंतज़ार किया जाता है और चार साल बाद 2022 में आके बैन कटिंग सेलिब्रेट करते हैं दो छक्कों के साथ ठीक है सुहेल तनवीर को मारते हैं दो छक्के ठीक है ना म, पता नहीं तीन दो मार के तीसरे पे इन्होंने की है मतलब या जो भी मतलब वो सीन नहीं वो इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो है ना चार साल बाद फिर उन्हें छक्के मार के और सही मतलब वो किया और आपकी स्क्रीन पे चल चुका है कि क्या उन्होंने इशारे किए ठीक है, है ना तो ये पंगा इस तरह नहीं है अब आप लोग समझ रहे होते हैं कि ये अभी अभी हो गए ठीक है जी एकदम से नहीं ये जो मैंने आपकी स्क्रीन लेफ्ट स्क्रीन पर जो पिक्चर चल रही है ये पुरानी है ये मतलब कोयटा की नहीं है लेकिन अब सीन ये हुआ है कि इस मैच में भी सवेल तनवीर ने जब एंड दी एंड कैच पकड़ा है फिर उन्होंने फिर से वो उनको मतलब इसी तरह फिंगर दिखाई है ठीक है ना तो आप लोग अब कमेंट में बताइएगा आपका समझते हैं उसके बाद अब स्टोरी बढ़ रही है अभी आप वीडियो ना छोड़े पूरी वीडियो देखें बड़े मज़े की वीडियो है ये वाली ठीक है ना अब आप लोग स्क्रीन पे आप लोग बताया कि एक, एक स्टेटमेंट चलाई है मैंने ठीक है सुहेल तनवीर फाइंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ दिस मैच फी आफ्टर दैट फिंगर जेस्टर ठीक है ना और द गना अमेजान वॉरियर्स ठीक है ये उनकी टीम का नाम था सी पी की Pazer had sent off the Australian Ben cutting by giving him that finger anna, with both hands after dismissing him during their clash against ST kites and Nevis Patriots. तो कहने का मकसद यही है कि वो स्टेटमेंट बता रहे हैं कि सुेल तनवीर को उस वक्त फिफ्टीन परसेंट उनकी मैच फी की फ़ाइन लगा था ठीक है ना तो आज आप देख लें आज दोनों को फ़ाइन लगना है ठीक है ना सुल तनवीर को भी लगना है उसके बाद ये जो है बैन कटिंग अब मैं कुछ रिएक्शन भी दिखाने लगा लेकिन सबसे पहले सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पी का मैंने रिएक्शन दिखाना है उन्होंने क्या स्टेटमेंट चलाई क्योंकि बात है आपकी स्क्रीन पर चल चुकी है लेकिन पढ़ते हैं अभी से दो, ओवर कटसी मतलब ये कटसी मेंशन की ये बैन कटिंग है दो ओवर बैन कटिंग वाज स्टू की फोर मतलब वो ओवर जो बैन कटिंग कह रहा है कि मैं देखूं इसको बताता हूँ मतलब रिवेंज लेने का ठीक है ना अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं सबसे पहले तो एक रिपोर्ट है रिपोर्ट की स्टेटमेंट उसके बाद मैं आम लोगों को रिएक्शन दूंगा आप लोग कमेंट पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी एक रिपोर्ट के स्टेटमेंट है आफ्टर फोर ईयर्स बैन कटिंग हैड दिस रिवेंज योर व्यूज ऑन द सेलब्रेशन ठीक है कमेंट सेक्शन डाउन ब्लॉक को खुला हुआ है मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं अब मैं आप लोगों के सामने आम लोगों मतलब आम लोगों से दिया है कि जो लोकल पीपल है उनकी क्या रिएक्शन है ठीक है ना अब एक बंदे ने रिएक्शन दिया रिवेंज टेकन बाय बेन कटिंग एंड दैट फिंगर फोर्स वेल्थन वी ठीक है ना मतलब लोग मज़ा भी ले रहे हैं ठीक है ना कि जी रिवेंज ले लिया हालांकि ये पाकिस्तानी शायद होगा जिसका मैंने मैंने नोट नहीं किया लेकिन जो भी है खुश हो रहा है मतलब मज़े कर रहा है उसके बाद एक और अब स्टेटमेंट आई अब ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है बंदे बंदे की तरफ से मतलब ये नॉर्मल है पहले बता चुका हूँ रिएक्शन है ऑल पीपल के ठीक है ना और सुहेल तनवीर नीड्स टू तो बी बैंड ठीक है वो कह रहा है सुहेल तनवीर को बैन कर दो दीज गेस्टर्स कांट बी डन ऑन लाइव टीवी ये मैं जो चाह रहा हूँ ना ये मेरी तरफ से भी मेरा भी यही रिएक्शन है कि चलो सुहेल तनवीर नहीं दोनों को करो ना दोनों ने की है आ, लेकिन ज़ाहिर बात है सुेल्तन तनवीर की सबसे पहला आगाज़ सुल्तन वीर है अभी भी लोग कह रहे होंगे बैन कटिंग ने शुरुआत की क्योंकि सुल्तन तनवीर ने जो कैच पकड़ के की है तो आप वो वीडियो देख चुके हैं ना पहले फिर आप लोगों की वीडियो ज्यादा ये वाली वीडियो समझ आ रही है क्योंकि मैं स्टोरी बता रहा हूँ बिहाइंड जो सारा इसके पीछे क्या मामला है ठीक है ना एक और स्टेटमेंट है क्या कॉन्फिडेंस शोन बाय सुल्तन तनवीर गॉड टोंक्ड ऑल ओवर विद फिफ्टी प्लस रनज एंड गिविंग सेंड ऑफ़ टू कटिंग स्लो ये वो उसका रिएक्शन है जब उन्होंने कैच पकड़ के ठीक है ना फिर से वो फिंगर दिखाई है ठीक है ना और ठीक है तो ये अब स्टोरी है असल तो में मज़ेदार इसकी सीन है कि सीन बता रहा हूँ अब सुहेल वीर टू बैन कटिंग वन ठीक है ना अब ये चल रहा है सुहेल सुहेल्तनवीर ने दो मरतबा कर लिया क्योंकि आप लोगों को पता है उन्होंने कैच पकड़ के फिर से फिर से इशारा किया है ठीक है ना समझ रहे हैं बात को और अब एक और स्टेटमेंट है बैन कटिंग एंड सुहेल तनवीर गोइंग एट ईच अदर इट्स फनी बट वेरी बैड मतलब बंदा म... मज़े भी ले रहा है और आगे से कह रहा है कि जी बहुत बुरा ये तो गलत बात है ना यार ठीक है ना और फिर उसके बाद कह रहे हैं जी मे बी द लास्ट बी पी एस एल फोर सुल्थ नवीर अच्छा मैं इस पर बात करना चाहूँगा यार ये ऐसी बातें नहीं करते ठीक है ना क्योंकि दोनों की तरफ से हुए हैं ना सुल्थ नन्वी तो नहीं शुरू हुआ हुआ ना तो फिर तो दोनों को कहो ठीक है ना एंड मे बी द लास्ट पी एस एवर पी एस एल मैच नहीं नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी अब मैं आपको कुछ दो तीन जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के बारे जो बड़ा ये बोनस पॉइंट है बोनस वीडियो के बोनस मतलब आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन एक काम की चीज़ हाशिफि मामला कहते हैं साउथ अफ्रीका के बड़े बेहतरीन बल्लेबाजों कहते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ टी ट्वेंटी कॉम्पिटिशन सच एस पी एस एल विद दिस किड यंग किड्स आर कमिंग थ्रू एंड यू सी दैम शो केसिंग द टैलेंट इन अ रबेस्ट वे मोहम्मद हारिस हैज़ इम्प्रेस्ड इन द टू गेम्स ही इज़ प्लेड एंड होपफली ही विल कम ऑन गेटिंग बेटर हैजे पी एस एल सेवन ठीक है ये हाशी मामला की स्टेटमेंट है कोई मजाक नहीं है ठीक है ना अब मैं जो अगले स्टेटमेंट चलाने लगा वो उसके लिए इंतजार करें ठीक है ना वो भी एक फिलेंडर के बारे फिलेंडर ने दी है और वो आईपीएल को हिट कर रही है मतलब उस तरह नहीं मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा लेकिन वैसे उन्होंने आईपीएल के बारे में स्टेटमेंट दिया तो मैं आपको पढ़ने लगा हूँ वो भी करते हैं लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं हाशिम मामला की तरफ से ठीक है स्टेटमेंट है पी की बोनस है इस वीडियो का बाकी वो ख़त्म हो चुका है आपका जो पेन कटिंग वाला अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलेंडर की स्टेटमेंट ठीक है ना आशिम मामला ने तो ये बताया ना कि ये पाकिस्तानी जो नए नए लड़कियाँ हैं ये बड़ा मतलब जबरदस्त टैलेंट आ रहा है ठीक है ना अफलेंडर ने कहा इन पाकिस्तान सुपर लीग यू हैव थ्री बॉलर्स बोलिंग एट वन फोटी के पी एच और मोर ठीक है ना तीन ऐसे बॉलर हैं जो पी एस एल में जो कि एक सौ चालीस से ऊपर की बॉलिंग आ रहे हैं ठीक है ना और स्पीड से ठीक है ना एक सौ चालीस के पी एच और एंड स्विंगिंग द बॉल एट हाई स्पीड यू हैव अ सीरियस नंबर ऑफ सीम क्विक बॉलर्स इन द टूर्नामेंट कंपेयर्ड to what you find in other leagues such as the आई पी एल ठीक है ना आई पी एल को उन्होंने किया है कि यार आई पी एल में इतने अच्छे बॉलर दिए जितने पाकिस्तान में हैं ठीक हो गया और अब आप लोग बोल रहे होंगे यार इतनी बड़ी बातें कि चलो पी एस एल किस तरह देखें अगर नहीं देखना चाह रहा तो यार दराज का है वीडियो बनाई भी है कैसे देखना है वो भी मैंने आप लोग को वीडियो बनाई हाउ टू वॉच दराज पी एस एल मैचिज़ ऑन दराज ठीक है ना तो वो आप लोग वीडियो देख ले स्क्रीन पर हर होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है क्या करना है नहीं पता तो लाइक कर दो यार और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन करना है तो करो कोई मसले वाली बात नहीं शेयर कर देना थैंक्स फॉर वाचिंग